पहले साथ जीने मरने की कस्में खाई, फिर अपनाया खौफनाक मौत का रास्ता। यूपी के जालौन में प्रेमी जोड़ों ने खौफनाक कदम उठाते हुए मौत को गले लगा लिया। दोनों के बीच कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन शायद परिवार के लोगों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए प्यार को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मौत का रास्ता अपनाया और फिर बंद कमरे में दोनों ने एक साथ फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आज दिनांक 19/10/24 को एक लड़का व लड़की के द्वारा घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर प्रभारी कदौरा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा सात संकलन की कार्रवाई की गई। कदौरा पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला होना प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर उस समय हड़कंप मच गया जब कमरे के अंदर युवक व किशोरी के शव लटकते हुए एक साथ देखा गया। ये देख चीख पुकार मच गई। ये सुनकर आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और घटना की वजह तलाशनी शुरू कर दी। वहीं घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दोनों मृतकों के परिजनों से पूछताछ शुरू की गई है। मोहल्ले वालों के अनुसार प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। फांसी लगी है। किसने लगाई है? भतीज ने। अच्छा, और कौन है साथ में? बूढ़ी बजरंगा भैया। क्या मामला था आपका, वो लड़की का और उनका? हमने नहीं जान पाया। रिश्ते में क्या था? नहीं जान पाया आपने? दोनों ने एक साथ आत्महत्या क्यों की, परिजन बताने की स्थिति में नहीं है। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगा ली। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगा ली। इंडिया टाइम समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बड़ा गांव, ग्राम प्रतिनिधि प्रधान प्रतिनिधि रोहित कुमार। यहां पे घटना सुबह 6 बजे के लमसम पता चला लोगों के गांव के द्वारा। लड़का और मतलब की नाम है उसका कुंवर लाल, पिता का नाम उसे गोपी स्वर्गीय गोपी है और लड़की का नाम नम है, पिताजी का नाम है राम प्रसाद। सुबह जब कॉल आई हमारे पास तो लोगों द्वारा पता चला कि मतलब ये प्रसंग के द्वारा पहले दो चार दिन पहले भी ये घटना हो चुकी है, तो आपस में समझौता हो गया था, लेकिन अभी सुबह से पता चला कि मतलब दोनों ने फांसी मतलब फंदा लगा के फांसी लगा ली। जी, आपने पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस आ गई। हाँ, पुलिस आ चुकी है। भैया, आपके घर में क्या घटना हो गई, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? हमारा नाम पुष्पेंद्र है जी। हमारे भाई कहाँ के रहने वाले हो? बड़ी गांव के रहने वाले हैं। हमारा भाई पुष्पलाल है, उसने फांसी लगा रही है रात जी, और लड़की भी एक साथ में। क्या उनसे आप लड़की का और भाई का क्या संबंध था? ये हमें पता नहीं है, अभी पता चल रहा है। क्या आपका कौन है लड़की? लड़की बजरंगा चाचा का। नहीं तो आपकी कौन लगती है, वो क्या रिश्तेदार या? मैं लगती हूँ। तो वो बजरंगा कौन है आप? पड़ोसी है हमारा। पड़ोसी है। अच्छा, इसके पहले कोई ऐसा आप लोगों को पता चला, जानकारी हुई थी? कुछ जानकारी। अच्छा, नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, क्या घटना हो गई है? राम प्रसाद, रात में पता नहीं कितने टाइम यहाँ आई। कौन? लड़की हमारी जी, उनके घर जी। किसके घर? 4 बजे हमारी आँख खुली जी, हमने देखा तो वहाँ थी नहीं जी। हम बाहर भीतर उधर चारों तरफ ढूंढते रहे जी, और बस हम चले गए हार, और घर वाले मैंने छोड़ गए। और जब वहाँ हार में पहुंचे तो पता लगा कि जो टंगी कहाँ जगह, कहाँ फांसी लगाई? एक पड़ोस के घर। अच्छा, लड़का के घर। अच्छा अच्छा, कौन कौन जो लड़का आपके रिलेशन में? क्या आप गाँव जा रही है तो भतीजा लगता है। अच्छा, रिलेशन कोई नहीं? कोई नहीं। सगा रिलेशन पारिवारिक नहीं है? ना, कुछ नहीं। अच्छा, पड़ोस का मामला है? पड़ोस का मामला।
अच्छा।